The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राइस क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं ट्रिजेक्ट्री ऑफ बुलेट. तो हमने प्रीवियस क्लास में एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स कवर किया है. एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स हमने कवर ऑलरेडी कर लिया है. इंट्रोडक्शन सारा का सारा हो चुका है. एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं ट्रिजेक्ट्री ऑफ बुलेट. तो हमने यही पढ़ा था एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स में कि गन की जो मजल है और जब मजल एंड से जो बुलेट है वो रिलीज हो जाती है गन से, तो उसके बाद जो भी मेथड्स हम यूज़ करते हैं ट्रिजेक्ट्री कैलकुलेट करने के लिए, या फिर जो ट्रिजेक्ट्री है, जो ग्रेविटेशनल पुल उस बुलेट पे लगता है, ये सारी की सारी चीज़ें एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स में आती हैं, है ना. मैंने तीन चीज़ें बताई थी, इंटरनल बैलिस्टिक्स, एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स एंड टर्मिनल बैलिस्टिक्स. सो टर्मिनल बैलिस्टिक्स को हम वुंड बैलिस्टिक्स भी कह सकते हैं. किसे? टर्मिनल बैलिस्टिक्स को हम कह सकते हैं वुंड बैलिस्टिक्स, ओके. एंड एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स और इंटरनल बैलिस्टिक्स. सो इंटरनल बैलिस्टिक्स में आप डायरेक्टली गन से समझो कि गन का क्या मैकेनिज्म है, फायर आर्म का क्या मैकेनिज्म है, वो इंटरनल बैलिस्टिक्स में कवर होता है. एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स में जो भी एक्सटर्नल चीजें हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन, है ना, ग्रेविटेशन और वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ट्रेजेक्टरी ऑफ बुलेट, ये सारी सारी चीज़ें एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स में इंक्लूड होती है. एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ अ बुलेट. सो ट्रेजेक्टरी, बुलेट की ट्रेजेक्टरी समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ट्रेजेक्टरी है क्या. ओके, सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेजेक्टरी. जब बुलेट की ट्रेजेक्टरी हम तब कहते हैं जब पर्टिकुलर पाथ, फॉर एग्जाम्पल लेट से ये आपका मजल एंड है, ठीक है, ये आपके गन का क्या है, बैरल है. सो इसे हम कहते हैं बैरल, और ये जो एंड है ये कहलाता है मजल, और यहां से बुलेट क्या कर रही है, चल चुकी है, ठीक है. सो जब बुलेट चल चुकी है और टारगेट को हिट करने तक जो भी इन बिटवीन चीजें इंक्लूड होती हैं वो कहलाती हैं एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स. और ये जो आपको एक पैराबोला का फॉर्म देखने को मिल रहा है, इसे हम कहते हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ बुलेट. ओके, अ बुलेट्स ट्रेजेक्टरी हम सिंपली कह सकते हैं इट इज द पर्टिकुलर पाथ. ये जो आपको ब्लू कलर का पैराबोलिक पाथ दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट ट्रेजेक्टरी ऑफ बुलेट. तो हम ट्रेजेक्टरी ऑफ बुलेट से उस पाथ को कहते हैं जब मजल, गन के मजल से बुलेट निकल जाती है और टारगेट को हिट करती है. तो जिस भी पाथ को वो फॉलो करेगी वो पर्टिकुलर पाथ कहलाता है ट्रेजेक्टरी ऑफ बुलेट. नाउ वन माइट थिंक दैट अ बुलेट सिंपली फॉलोज द लाइन ऑफ साइट फ्रॉम द गन टू टारगेट, बट इट इज नॉट दैट cut and dry, and a bullet doesn't exactly travel in a straight line. ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो बुलेट है वो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में चलती है. फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक स्ट्रेट लाइन रखी हुई है, बट ऐसा नहीं होता. जो बुलेट है वो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलती है, और ये एक तरीके का पैराबोलिक कर्व बनाती है. सो इसे हम कहते हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ बुलेट. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है मजल एंड से जहां से बुलेट चलेगी और टारगेट तक, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है. एंड दिस इज द लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट मतलब यहां से हम देखेंगे कि हमें टारगेट कहां पे लेना है, एंड टारगेट लेने के बाद फायर करते हैं. ओके, तो ये है ट्रेजेक्टरी ऑफ बुलेट. क्लियर. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एसोसिएटेड है एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स से, जो कि एसोसिएटेड है ट्रेजेक्टरी ऑफ बुलेट से, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे. अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट अफेक्ट्स अ प्रोजेक्टाइल. सो प्रोजेक्टाइल यहाँ पे क्या है, हमारी बुलेट प्रोजेक्टाइल है. क्या? बुलेट प्रोजेक्टाइल है. सो जब हम बैलिस्टिक्स की बात करते हैं तो बैलिस्टिक्स में हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करते हैं. तो बुलेट प्रोजेक्टाइल हो सकती है, मिसाइल प्रोजेक्टाइल हो सकती है, बॉम्ब्स प्रोजेक्टाइल हो सकते हैं, बट यहाँ पे जब हम फायर आर्म्स की बात करते हैं या जब हम गन्स की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बुलेट ही प्रोजेक्टाइल्स होते हैं. अब हमें ये जानना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस प्रोजेक्टाइल को अफेक्ट करती हैं. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी. ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है साइंस में ऑलरेडी कि ग्रेविटी होती क्या है, राइट. हम सभी को पता है कि जब हम कोई भी चीज ऊपर की साइड पे फेंकेंगे तो वो नीचे ही आके गिरती है, या फिर आप ऊपर की किसी भी फ्लोर से कोई भी चीज फेंकोगे तो वो नीचे ही आके गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी या फिर रुकेगी नहीं कहीं पे. तो ये होता है ग्रेविटेशनल पुल, या जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी. ग्रेविटी डज नॉट अफेक्ट द हॉरिजॉन्टल मोशन.
यहाँ पे मैंने क्या बोला, ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल मोशन को अफेक्ट नहीं करती, ये क्या है आपका, दिस मोशन इज हॉरिजॉन्टल मोशन, सो जो ग्रेविटी है हॉरिजॉन्टल मोशन को अफेक्ट नहीं करती, बट जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये किसके ऊपर एक्ट करती है, ये उस बुलेट के ऊपर एक्ट करती है एंड एक्ट्स डाउनवर्ड एंड इट इज अनेबल टू अल्टर द हॉरिजॉन्टल मोशन, ओके, एंड इट इज अनेबल, सो जब हॉरिजॉन्टल मोशन पे अफेक्ट ही नहीं कर रही है तो हॉरिजॉन्टल मोशन चेंज नहीं कर सकती, बट ऑफकोर्स बुलेट को नीचे के साइड जरूर खींचेगी, और जब वो बुलेट को नीचे के साइड खींचेगी तो जो वेलोसिटी है बुलेट की वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होती चली जाएगी, दस द प्रोजेक्टाइल ट्रेवल्स विद अ कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड डाउनवर्ड वर्टिकल एक्सेलरेशन, सो डाउनवर्ड वर्टिकल एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा, बट ये कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ट्रेवल करती है ना, बुलेट में स्पीड है तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी भी है ही, जब ग्रेविटेशनल पुल उस बुलेट पे लगता है तो जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगी, और ग्रेविटी और वेलोसिटी का रिलेशन ऑफ कोर्स है, ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल मोशन को अफेक्ट नहीं करती और उसको वो चेंज भी नहीं कर सकती, है ना, जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है बुलेट का वो ग्रेविटी चेंज नहीं कर सकती, और एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से बुलेट ट्रैवल करती है, ऑफ कोर्स ग्रेविटी उसे अफेक्ट करती है। अब वेलोसिटी की हमने बात करी, वेलोसिटी अफेक्ट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, यस, जो वेलोसिटी है वो प्रोजेक्टाइल के मोशन को अफेक्ट करता है, प्रोजेक्टाइल क्या है, बुलेट, तो बुलेट के मोशन को वेलोसिटी असर करती है, अफेक्ट करती है। अब A projectile will travel farthest when it is launched in 45 degree angle. Initial speed does not affect the vertical motion. ठीक है, जो initial speed होगी वो vertical motion को affect नहीं करती। सबसे ज़्यादा दूर bullet तब जाएगी जब 45 degrees angle पे fire की गई हो। This does affect the horizontal motion. अब velocity horizontal motion को affect करती है। The higher the initial speed, the further the projectile will travel. So initial motion जितना ज़्यादा होगा उतना ही दूर क्या होता है, जो प्रोजेक्टाइल है वो ट्रैवल करता है, ठीक है, जो इनिशियल स्पीड है वो वर्टिकल मोशन पे नहीं डिपेंडेंट है, बट जो वेलोसिटी है वो आपके मोशन पे, जो वेलोसिटी है वो इनिशियल स्पीड पे डिपेंड करती है, ओके अब आपको ये देखना है कि मास कितना डिपेंडेंट है प्रोजेक्टाइल पे, कि वजन, बुलेट का वजन कितना असर डालता है, सो मास डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ फॉलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट Assuming there is only gravity acting on it, तो मास का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, पर ग्रेविटी ऑफ कोर्स लग रही है, बोथ बुलेट्स विल स्ट्राइक द ग्राउंड एट द सेम टाइम, तो कितनी भी हैवी बुलेट हो, अगर आपने कोई हैवी बुलेट ली है, अगर आपने कोई लाइटर बुलेट ली है, तो दोनों ही बुलेट सेम टाइम पे ग्राउंड को टच करेंगे, तो यहाँ पे मास का कोई लेना देना नहीं है, दोनों ही बुलेट्स पे इक्वल ग्रेविटी एक्ट करेगी और दोनों सेम टाइम पे ही जो ग्राउंड है उसको टच करेंगे। The horizontal force applied does not affect the downward motion of the bullet. Only gravity and friction. Friction को आप air resistance भी बोल सकते हैं. So gravity लगेगी और friction, जो air का resistance है वो लगेगा, क्योंकि उस air को इसे जो जो bullet है उस air के against उसको travel करना है. तो जो bullet है उसमें सिर्फ gravity लगेगी and friction लगेगा, या आप air resistance बोल सकते हो. तो gravity किसे बुलेट को नीचे की साइड पे पुल करेगी, और फ्रिक्शन से एयर रेजिस्टेंस से वेलोसिटी पे अफेक्ट होगा, विच इज द सेम फॉर बोथ बुलेट्स, एंड ये दोनों ही इक्वल होता है दोनों ही बुलेट्स के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने बोला, लेट्स मेक टू बुलेट्स, एक मैंने बुलेट ली है एंड दिस इज द हैवियर वन, ठीक है, ये कौन सी बुलेट है, ये हैवी बुलेट है, लेट्स से ए, ये बुलेट नंबर ए है एंड दिस इज बुलेट नंबर बी, तो ये जो जो बुलेट नंबर बी है, जो बुलेट है वो लाइट है और ये क्या है, हैवी बुलेट है, सो ये जो दोनों ही बुलेट्स हैं, ये दोनों ही जो प्रोजेक्टाइल है उसमें एयर रेजिस्टेंस भी इक्वल लगेगा, ग्रेविटी भी इक्वल लगेगी, दोनों ही इक्वल होने वाले हैं, इनका जो मास है वो अफेक्ट नहीं करेगा प्रोजेक्टाइल के मोशन में, क्लियर, ओके, नाउ वी हैव फैक्टर्स विच अफेक्ट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के पाथ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो चुका है अब तक कि ग्रेविटी अफेक्ट करती है, एयर रेजिस्टेंस, ये दोनों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देती हूँ, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल के मोशन को, जो ट्रेजेक्ट्री का पाथ होता है, इस ट्रेजेक्ट्री की पाथ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब जो स्पीड ऑफ रिलीज है, स्पीड ऑफ रिलीज आप कैसे बोल सकते हो, इनिशियल
स्पीड, जब जब गन फायर करी जाती है, जब फायर आर्म से फायर किया गया है, तो जो इनिशियल स्पीड होती है बुलेट की, उसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ रिलीज, कि किस स्पीड पे बुलेट ने क्या करा है फायर, बुलेट ने फायर नहीं करा, एक्चुअली गन ने फायर करा है, और जो बुलेट है वो किस स्पीड पे रिलीज हो रही है, तो इसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ रिलीज। और ये स्पीड ऑफ रिलीज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके ट्रेजेक्टाइल पाथ पे। देन वी हैव एंगल ऑफ रिलीज, जैसा कि मैंने बताया जो एंगल है 45 डिग्रीज का एंगल, ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि जब 45 डिग्रीज के एंगल पे फायर करा जाता है, तो जो बुलेट है वो सबसे ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगी। ओके, एंड देन हाइट ऑफ रिलीज, ऑफ कोर्स हाइट भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी हाइट पे फायर कर रहे हैं। सो जितनी ज़्यादा हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग ही ग्रेविटेशनल पुल आपकी बुलेट पे या आपके जो प्रोजेक्टाइल है उस पे एक्ट करेगा। एंड देन वी हैव स्पिन, तो आपको ये पता ही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो फायर आर्म्स हैं वो क्या होते हैं, उनके जो बैरल होता है उसमें लैंड्स एंड ग्रूव्स बने हुए होते हैं, है ना, जिसे हम कहते हैं राइफलिंग। अब ये जो राइफलिंग है ये स्पिनिंग इफेक्ट देता है बुलेट को, तो ये स्पिनिंग इफेक्ट क्यों होती है, इस स्पिनिंग इफेक्ट से भी जो बुलेट है वो ज़्यादा लंबी दूर तक ट्रैवल कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये आपकी गन का बैरल है और यहाँ पे कट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, और जिसे हम लैंड एंड ग्रूव के थ्रू कैलकुलेट ऑफ कोर्स करते हैं, और ये जो लैंड एंड ग्रूव्स है ये स्पिनिंग इफेक्ट देते हैं बुलेट को, ये बुलेट को स्पिनिंग इफेक्ट देते हैं, और ये जो बुलेट है वो स्पिन करते हुए रिलीज होती है अपने मजल एंड से, और वो उसी तरीके से ट्रैवल करती है। एंड इसी वजह से ये जो स्पिन है ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पाथ पे, जो ट्रेजेक्ट्री है, जब फायर करा गया और टारगेट तक पहुंचने तक का जो बीच का पाथ है वो ट्रेजेक्ट्री होती है, एंड ये जो स्पिन है इस ट्रेजेक्ट्री पे डिपेंडेंट होता है, उस पे असर करता है। तो दीज आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। फर्स्ट इज ग्रेविटी, देन वी हैव एयर रेजिस्टेंस, देन वी हैव स्पीड ऑफ रिलीज, देन वी हैव एंगल ऑफ रिलीज, हाइट ऑफ रिलीज एंड स्पिन, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। यहाँ पे तीन चीज़ें हमने डिस्कस करी जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि क्या ऐसी चीजें जो प्रोजेक्टाइल पे असर करती हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है और एयर रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो सबसे पहले याद होने चाहिए। इसके अलावा जो वेलोसिटी है वो प्रोजेक्टाइल के मोशन को किस तरीके से इफेक्ट अफेक्ट करती है, एंड व्हाट इज द एंगल व्हिच इज बेस्ट सूटेड जिसमें सबसे ज्यादा दूर तक बुलेट ट्रैवल करेगी। देन वी हैव मास विच अफेक्ट द प्रोजेक्टाइल, तो हमने ये भी देख लिया था मास का कोई खास असर होता नहीं है प्रोजेक्टाइल पे, बिकॉज इस पे एयर रेजिस्टेंस लगेगी और ग्रेविटी लगेगी जो किसी भी तरीके के बुलेट पे इक्वल ही लगती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई मोटी बुलेट है तो उसमें ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल आ गया या ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस हो गया, या कोई छोटी बुलेट है तो उसमें कम ग्रेविटी लग रही है, कम एयर रेजिस्टेंस हो रहा है। सो इट अफेक्ट्स बोथ द बुलेट एट द सेम टाइम इक्वली। एंड इसके अलावा पाँच यहाँ पे पॉइंट्स, तो आई थिंक 6 पॉइंट्स है, हाँ 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस, स्पीड ऑफ रिलीज, एंगल ऑफ रिलीज, हाइट ऑफ रिलीज एंड स्पिन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, विच इज ऑफ कोर्स रिलेटेड विद एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स एंड विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप दिस लेक्चर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, एंड ये लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है, सो यू कैन पुट योर डाउट, क्वेरी एंड क्वेश्चन इन द कॉमेंट बॉक्स, और यू कैन कनेक्ट टू अस थ्रू व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, एंड सारी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हर तरीके की क्लास अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी क्लासेस चल रही हैं NFSU एंट्रेंस की, कॉलेज एंट्रेंसेस, BSc MSc एंट्रेंस एंड UGC नेट एग्जामिनेशन की, सो डू ज्वाइन अवर क्लासेस, प्रिपेयर योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।